भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। सियाना कस्बे में 12 मार्च को हुई गुड़ व्यापारी की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो हत्यारे को किया गिरफ्तार। बता दें कि मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते 12 मार्च को गुड़ व्यापारी प्रदीप सिंघल की बाइक सवार दो बदमाशों ने 2,80,000 रुपए लूटने के बाद गोली मार दी थी, जहां व्यापारी प्रदीप सिंघल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने 100 किलोमीटर परिधि में आने वाले मुख्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश रोहित उर्फ अनुराग पुत्र मूलचंद निवासी गांव गावड़ा थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ और दूसरा बदमाश राहुल पुत्र चतर सिंह निवासी उपरोक्त पकड़े गए। दोनों बदमाशों ने बुलंदशहर हापुड़ और खतौली में हुई लूट की 4 वारदातों का भी खुलासा किया है। बदमाशों के कब्जे से पेंशन प्रो बाइक घटना में प्रयुक्त तमंचा, 315 बोर, 8 कारतूस बरामद। साथ ही पुलिस ने मृतक का सामान, फेक आधार कार्ड की छाया प्रति, ड्राइविंग लाइसेंस छाया प्रति, एक चेकबुक, एक गुड़ की रसीद, एक SBI बैंक की पैसा जमा कराने की रसीद पैच और खतौली में लूट की 4 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बुलंदशहर कप्तान संतोष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। मृतक गुड़ व्यापारी प्रदीप सिंघल से लूटी गई 2,80,000 रुपए की रकम में से लुटेरों के पास से 1,80,000 रुपए भी पुलिस ने किए बरामद। हत्याकांड के खुलासे के बाद मृतक व्यापारी के परिजनों ने पुलिस का भी किया आभार व्यक्त। लूट के बाद गोली मार का हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। कैंटर प्रोफाइलर के साथ अपनी घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, दिनांक 12/3/22 को एक बहुत ही सनसनीखेज और दुखद घटना थाना सियाना क्षेत्र में हुई थी और लगभग एक 60 वर्षीय प्रतिष्ठित गुड़ व्यवसायी की लूट के इरादे से गोली मारकर बम्बे पे जाते समय जब वो जा रहे थे मंडी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर निश्चित तौर पर व्यापारियों में भी बड़ी पीड़ा और दुख था। तमाम व्यापारिक संगठन भी दुखी थे और लोग बार बार हमसे भी संपर्क में थे। ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि अपराधियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं थी। लेकिन जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम और सयाना थाने की टीम ने मिलकर के बहुत अथक प्रयास किया और इस मायने में इसे अद्भुत कहा जा सकता है कि लगभग 60 किलोमीटर रेंज के सभी CCTV कैमरे तलाशे गए, खंगाले गए और उनके आधार पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दो लोग चिन्हित किए गए, जिनका CCTV कैमरे के माध्यम से पीछा करते हुए हमारी टीम उनके गांव तक लगभग पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद फिर और भी तकनीकी तथ्यों का सहारा लिया गया। उसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन हुआ। उस आइडेंटिफिकेशन से दो अपराधी रोहित अनुराग, जो गावड़ा किला परीक्षितगढ़ का है, और इसी के गाँव का राहुल पुत्र चतर सिंह दूसरा, ये दो लोग आइडेंटिफाई हुए और मोटरसाइकिलों पर जाते देखे गए। इसके साथ ही जब हमारी टीम ने और तकनीकी रूप से देखा तो इस जोन में करीब 5 घटनाएं और गुड़ व्यापारी के साथ हुई थी। 5ों में पूर्व में गोली मारी गई थी और हम लोगों ने जब उन तारीखों पर और इनके तमाम जो तकनीकी तथ्य थे उनका विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि जब जब घटनाएँ गुड़ व्यापारी के साथ हुई हैं, यही दोनों वहाँ पर मौजूद रहे। तो इस तरह से इस अभियोग का अनावरण हुआ है और इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 1,60,000 कैश, 2,80 कुल टोटल पैसे सेठ के पास थे, उनमें से 1,60 की बरामदगी की गई है। एक अभियुक्त जो रोहित है, इसने घटना के एक दिन बाद अपने खाते में 25,000 करके इसी लूटी गई धनराशि से लगभग 1.5 लाख के आसपास रुपये डाले थे। तो इस तरह से वो भी हम लोग जो है इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर के और विधिक प्रक्रिया के तहत इनके बैंक खाते से उस धनराशि को प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ही इस तरह उल्लेखनीय घटना का अनावरण हमारी टीम ने किया है और इस निमित्त इस टीम को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय यह है कि इस टीम के द्वारा गुड़ व्यवसायियों के साथ कुल 6 लूटें की गई हैं, जिनमें हापुड़ की 2 लूट है, 1 अप्रैल 2021 में हुई थी, दूसरी December 2021 में हुई। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।